गाइस एक और धाकड़ वीडियो में आपका स्वागत है। और हम खेल रहे हैं रैंक मैच, और हमारे साथ है हमारा टीममेट टीओ में खेल रहे हैं हम। और हमारा टीममेट नहीं टट्टी नहीं बोलूँगा साला, फिर रिवाय नहीं देगा। तो हाँ कुत्ता से नहीं, कुत्ता भी नहीं बोलना चाहिए, फिर भी रिवाय नहीं देगा। तो यार छोड़ो यार, टीममेट को गाली वगैरह नहीं देना चाहिए, ये सीख ले लो गाइस। टीममेट को गाली देता हो तो रिवाय विवाय नहीं होता। तो उसको छोड़ो, और हम जा रहे हैं फैक्ट्री से डायरेक्ट पोचिनो की तरफ। और हमें लगता है वहाँ पे लौंडे लौंडे देखने को मिलेंगे, और लौंडों को हम पेलेंगे। हमेशा की तरह हम पेलते ही है, तो पेलते ही रहेंगे ना यार, क्योंकि हम गेम में आते ही क्या हुआ, हमारा टीममेट को गोलियां पड़ रहा है। भाई कौन कौन, किसकी जरूरत हुई, किसने मारा मेरे टीममेट को? छोड़ूंगा नहीं किसी को। हाँ लेकिन पहले पकड़ तो लूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो राजा का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो, किसी को। यार गाइस लड़की है यार, ऐसा करते हैं गाइस, छोड़ देते हैं इसको। छोड़ो यार गाइस, हमें लगता है हमें उसको मारना पड़ेगा, वरना वो हमको मार देगी। यार कहाँ भाग रही है? अच्छा इधर पे छुप के बैठी है। और भाई क्या आप भाई लैंडमाइन लगाई साली हरामी, पापा की परिंदी। छोड़ो यार गाइस, हमें लगता है हमें हमारा टीममेट को पहले बचाना चाहिए, क्योंकि यार टीममेट को बचाएंगे तो हम भी फिर बाद में मर जाएंगे। तो यार एक डिफेंस बन जाएगा हमारा, फिर वो हमको रिवाइव दे सकता है ना। तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटर्जी। बंदे को मारना पड़ेगा लगता है हमें, क्योंकि हमारे पास टोकन की बहुत कमी है। लेकिन यार गाइस तुमने एक बात नोटिस की, ये बंदे हम पे ऐसे रस मार रहे जैसे हम नूब है। हाँ थोड़ी थोड़ी बात सही है, लेकिन यार इतने भी नूब नहीं है कि तुम रस मारोगे और हमें मार दोगे। अब देखो यार हम थोड़ा ओपन में आ गए हैं उनको मारने के लिए, क्योंकि हमारा टीममेट ने बोला कि यार एल2 के भाई नूब हो क्या, इतना क्यों डर रहे हो? तो यार डर को छुपाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, हालांकि डर तो छुप नहीं सकता। हमें लगता है सामने की ओर दो ही लौंडिया है, या तो एक ठू लौंडा है एक ठू लौंडिया है, ऐसा कुछ है। तो गाइस यार आप ही बताओ मैं उनको मारूँ या ना मारूँ। यार लड़की को मारना अच्छी बात नहीं है वैसे तो, लेकिन यार 100 टोकन की कमी है, तो यार हमें लगता है हमें मारना पड़ेगा। हाँ दिल मना कर रहा है, लेकिन यार टीममेट साला गालियाँ दे रहा है। फाइनली गाइस हमने लौंडिया पे रस मारा है, और लौंडिया लगता है अब मरी जाएगी। अबे कितना भाग रही है, हाँ लड़कियों का काम ही होता है भगाने का। अब देखो अब मरी, कब कब से भगा रही थी गाइस। यार फाइनली हमने दिल पे पत्थर रख के लड़की को मार दिया है। इस बार लौंडिया नहीं बोलूंगा कि यार मारने के बाद इज्जत देना चाहिए। कुछ भी बोलो गाइस, यार बंदी अमीर तो थी। देखो यार 1300 टोकन हो गए, मतलब 1000 टोकन थे उसके पास, टोकन वीकन लेकर आई थी। और ADCT मतलब शुद्ध हिंदी में बताए तो ACT भी थी उसके पास। फाइनली गाइस हमने हमारे टीममेट को रिवाइव दे दिया। हमें ऐसा लगा था कि हम यहाँ पर रिवाइव पाएंगे, क्योंकि हमें लगा था हम मरेंगे, लेकिन ये सब उल्टा हुआ। तो यार मुझे लगता है अब हमें अपने टीममेट को गाली, छोड़ो यार आगे कुछ भी हो सकता है, अभी भी नहीं देना चाहिए। रूट तो ठीक ठाक है, लेकिन यार ग्लोबल नहीं है यार, तो कुछ यार जुगाड़ बिगाड़ के लगाना पड़ेगा। यार हमें लगता है बंदों को मार के लेते हैं, यार शॉपिंग मॉल से नहीं खरीदते। छोड़ो यार लौंडा मिल जाएगा, लौंडों को मार के ले लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कौन मारा बे, कुत्ता साला पीछे से मार रहा है। गाइस इन बंदों को पीछे से मारने के अलावा और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? साला पीछे से ही हर बंदा मेरे को पीछे से मारता है, सामने से तो कोई मार ही नहीं पाता हमको। देखो यार बातें बहुत हो गई, सामने से लौंडे दिख रहे हैं, और हमारा टीम साला डाउन, बस हमेशा डाउन ही हो जाओ। अभी ये कहा था बे साला, दो ही हेडशॉट, साला हमको यकीन नहीं हो रहा है हमारा गेम प्ले ऐसा है। एक और बार हमारे टीममेट को रिवाय दे देते हैं, उसके बाद हमें नहीं लगता कि हमें रिवाय देना चाहिए, क्योंकि यार वो लिमिट होता है ना, वो उसने क्रॉस कर दिया है। तो यार छोड़ो हम करते हैं अपना अपग्रेड वग्रेड, और फिर लूटपाट, और फिर यार निकलेंगे बंदों को फिर से पेलने के लिए, क्योंकि हमारे गेम में और कुछ चलता ही नहीं, बंदों को मारो या मरो, हाँ उसमें मरो ज़्यादा होता है। गाइस हमारा टीममेट लैंड हो गया है, और वो बोल रहा है लूट करना है। तो यार ग्लोबल लगा लेते हैं जिससे वो लूट कर रहा है, और हम निकलते हैं बंदों को ढूंढने के लिए। जहाँ पे बंदे मिलेंगे उनको वहीं पे पेल देंगे, या फिर और क्या करेंगे यार, लॉबी का रास्ता देखेंगे। गाइस हमें पोची नॉक पे तो अब बंदे नहीं मिले, तो लगता है यार फैक्ट्री पे एक थोड़ा लौंडे मिल जाएंगे। देखो यार पीछे से कोई मार रहा है हमको, कहाँ है भाई दिख ही नहीं रहा। वे मिस्टर इंडिया है क्या, कहाँ
कहाँ पे दिख ही नहीं रहा। अबे लौंडे कहाँ पे छुप के, अब ये राना साला देखो ये गाइस, ये कैंपर के खानदान के बच्चे देख रहे हो, मतलब कहाँ कहाँ पे चढ़ जाते हैं साले हरामी। लेकिन फिर भी देखो कूटने बल तो आ गए यहाँ पर गाइस। हमें बहुत मन हुआ कि इमोट दिखाए, लेकिन हमें लगता है ये बंदा थोड़ा सा नूब था, इसलिए हमें इमोट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यार बाद में फिर नूब लोगों को इमोट दिखाने का ट्रेंड आ जाएगा, तो यार हमें भी कोई इमोट दिखा देगा। अब ये देखो गाइस, इसको अभी तक ये नहीं पता चला कि हमने ड्रम फोड़ा है, और बोल रहा है कि किसी और ने ड्रम फोड़ दिया। यार मतलब कहाँ कहाँ से चले आते हैं, ऊपर से यार मेरा गिल्ड का बंदा है, तो यार मेरा नाम मत डुबाओ यार ऐसे। हालांकि यार मैं खुद भी डुबा के बैठा हूँ, लेकिन यार इतना तो नहीं डुबाया मैंने, थोड़ा सा मतलब आधा इंच ऊपर पे है। खैर गाइस, यार लौंडे लपाटे नहीं मिल रहे, तो यार मैं थोड़ा तुमको पूछ लेता हूँ, आपका हाल की हाल चाल है, कैसा चल रहा है घर में, बीवी बच्चे ठीक है ना। देखो अब हमारा टीममेट फाइट ले रहा है, तो हमको लगता है हमें भी यहाँ पे घुसना पड़ेगा, और हम यार जबरदस्त तरीके से एंट्री मारते हैं कि बंदे ही खुद डर जाते हैं। देखो यार बंदे चुप के बैठे हैं बाहर, आ गया साला बाहर, हमें लगता है ग्रेनेड बाजी करना ही पड़ेगा यहाँ पे, और ये हमारी बम पड़ी और नहीं पड़ेगी इनके ऊपर भारी। हमें लगता है हमारी गोली से ही मरना था इनको, इनको लगा कि भाई गोली से मरेंगे यार, बम से नहीं मरेंगे, इतना इज्जतदार फैमिली से आते हैं ये लोग। A little longer than a few minutes later. गाइस हमें लगता है हमें यहाँ पर डेरॉप लूटना है, फिर वो सामने एल शिप के ऊपर, पीछे से कौन मार रहा है, लौंडा साला हरामी कूतरिया। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था गाइस, नीचे की और एल शिप के ऊपर दो इटो लौंडे हैं, तो हम नीचे जाते हैं सीधा उनको मारने के लिए, लेकिन ये ऊपर वाला साला पहले परेशान कर रहा है बहुत, है कहाँ पे दिख ही नहीं रहा। अच्छा कहाँ पे छुपे हो चच्चा, अच्छा छोड़ो उसको, हम जाते हैं नीचे की ओर, एल शेप वाले बंदों को पहले टिला देते हैं, फिर ऊपर वाले बंदों को तो बाद में देख ही लेंगे। और भुया तो कौन ही ले जाएगा, आपको पता है कौन ले जाएगा, आपको थोड़ी पता होगा, कैसे अभी सोच रहे हो। अच्छा एक टू डाउन हो गया भाई, ग्रेनेड देख रहे हो गाइस, हमारे ग्रेनेड से हम मरते थे, वो दिन गए। अब यार हम हमारे ग्रेनेड से किसी और को भी मार सकते हैं, मतलब देख रहे हो गाइस, अभी साला दुई को ढिला दिए, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये सपना हो सकता है। चलो यार सपना हो या सच हो, जो भी हो, हमें लगता है हम थोड़ा पीरो हो गए हैं, और नीचे की ओर जाते हैं, थोड़ा पीरोपंती दिखाते हैं, क्योंकि हमारे हो गए हैं 9 किल पहली बार जिंदगी, नहीं ऐसा नहीं बोलूँगा यार, मैं पीरो हूँ, रोज रोज 9 किल करते हैं, ये थोड़ा एटीट्यूड बनाना चाहिए। लेकिन यार एटीट्यूड का स्पेलिंग नहीं आता, तो यार ईगो बनाना चाहिए, जो भी बनाना हो बनाओ, कुर्ता बनाओ, पजामा बनाओ, खाना बनाओ, जो भी बनाना बनाओ, लेकिन यार बनाओ। हाँ लेकिन यार किसी को उल्लू मत बनाओ यार। खैर गाइस फालतू बातें बहुत हो गई, अब हमें लगता है यहाँ पर हमें किल करना चाहिए, वरना यार तुम फिर से मुझे नूब समझने लग जाओगे। यार बड़ी मुश्किल से हमें ऐसा लग रहा है कि तुम अब मुझे पीरो समझने लगे हो। गाइस एक ठो लौंडे को तो हमने डाउन किया, लेकिन दूसरा लौंडा, अबे दोनों खत्म भाई साहब, इतना ज्यादा पीरो मैं नहीं हो सकता। हमें लगता है गाइस हम किसी और का वीडियो देख के वॉइस ओवर कर रहे हैं। नहीं यार नाम तो मेरा ही है। 12 seconds later टावर के ऊपर एक ठो लौंडा छुप के बैठा है, तो हम उसको मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यार कब से खेल रहे, कितने बंदों को मारा, लेकिन यार एक चीज हमने नहीं की, हाँ अब कर ले, इमोट दिखाना था यार। हाँ तो गाइस आप मजाक मस्ती बहुत हो गई, सामने एक ठो लौंडा है और उसको हमने ठेला दिया, और यार ये मत भूलना कि पीछे से मारा, वो थोड़ा यार 45 डिग्री लेफ्ट में घुमा हुआ था। ई लो बस यही देखना बाकी रह गया था, तीसरी बार मरा, शर्म से डूब मर अब तो यार, यार इतना दूर है अब तो रिवाइव भी नहीं दे सकता, हालांकि यार नहीं देना चाहिए, वैसे भी यार रिवाइव देने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यार ना तो वो जो मुझे कवर दे रहा है, ना मैं उसको क्यों कवर दूँ यार, वो मुझे कवर दे यार, मैं पिरो वो नूब नहीं बोलूँगा, साला कालिया देगा, माई कौन है अभी उसका। खैर गाइस हम उसको रिवाइव दे पाए या ना दे पाए, लेकिन यार उसका रिवेंज लेने का ट्राई करते हैं, सामने ही है वो लौंडा, और उसके पास है कार 98 के ZY या X कौन सी है पता नहीं यार, अब गरीब आदमी को नहीं पता चलता, तुमको पता चल गया होगा तो बता देना, सामने ही है और मारने का ट्राई कर रहा है, पत्थर के पीछे छुप रहा है, और जैसे ही वो बाहर आएगा जोन में आने के लिए, उसको वहीं पे पेल देंगे। हाँ देखो 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 बाहर आए, हाँ
हाँ बतला खत्म हो गया गाइस यार, नहीं लेना था लेकिन फिर भी यार किल के लिए ले लिया गाइस। अब लास्ट वन वर्सेस वन बचा है, साला खताओ में खुद पे ही फोड़ दिया ये। तो यार लास्ट वन वर्सेस वन अभी ग्रेनेड फेंक रहा है यार, पूरा बोलने तो दे। तो गाइस यार यहाँ पर लास्ट वन वर्सेस वन बचा है और सामने एक ठो लौंडा है, और पूरा प्रयत्न करेंगे कि उसको हम मार देंगे। प्रयत्न करेंगे यार, सफल हो या ना हो, जो भी हो परिश्रम करना चाहिए। ये देखो शान नहीं है, और भाई क्या पैरों की तरह मैंने ग्लोबल लगाया, और ये कहा भाई बुया, भाई साहब 15 किल हो गए। पहली बार नहीं हुए गाइस, ऐसा मत सोचो यार, मैं भी पिरो हूँ थोड़ा बहुत। और हाँ लास्ट बात गाइस, 15 किल और भैया की खुशी में हमने हमारे घर पे बहुत बड़ी दावत रखी है, तो आप सब लोग आ जाना अगर एड्रेस पता हो तो।